पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई। जी हाँ गाइस, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की भी सेकंड टेस्ट मैच आज खत्म हुआ एंड पाकिस्तान डोमिनेट करके इस टेस्ट मैच को जीत ली। मैंने आपको कल बताया था पाकिस्तान ने 297 टारगेट दिए इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, बट इंग्लैंड 144 पर ही निमट गई पूरी टीम। पाकिस्तान के दो स्पिनर्स नोमान अली एंड साजिद खान ने दोनों ने इंग्लैंड के 20 विकेट्स लिए, कमाल कर दिए इन दोनों ने। नोमान अली ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए एंड सेकंड इनिंग में 8 विकेट्स लिए, टोटल 11 विकेट्स नोमान अली ने ली। एंड साजिद खान ने फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट्स लिए एंड सेकंड इनिंग में 2 विकेट लिए, टोटल उन्होंने 9 विकेट्स ली। फर्स्ट टाइम सीरीज 1972 पाकिस्तान के दो बॉलर्स ने 20 विकेट्स लिए इन टेस्ट मैच एंड भाई पाकिस्तान ने स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया। फाइनली 1338 दिन के बाद पाकिस्तान विन अ टेस्ट मैच एट होम। शान बसु जो पाकिस्तान के कैप्टन है, उन्होंने भी 6 टेस्ट मैच हारने के बाद फर्स्ट टेस्ट मैच जीत लिया एज अ कैप्टन। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान शान बसु बोले, द फर्स्ट विन इज ऑलवेज स्पेशल, दिस विन इज स्पेशल बिकॉज इट केम आफ्टर टॉ एंड रॉ टाइम्स, इट्स स्पेशल फॉर एवरीवन, इट केप्ट अस हंग्री। नोमान अली एंड साजिद खान के बारे में भी वो बात किए। नोमान अली एंड साजिद खान हमारे लिए फॉर्चुनर साबित हुए, हमें सेकंड इनिंग में तीसरे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, डोमिनेट करके पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। बाकी इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।